महानगर को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन लगातार प्रयासरत है। नगर आयुक्त का कहना है कि शहर में 230 बड़े और छोटे नालों की साफ सफाई का कार्य पूरा हो चुका है। बांधों के किनारे जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं, सबकी मरम्मत किया जा चुका है। साथ ही साथ सभी पंपिंग स्टेशनों की जाँच भी कर दिया गया है, जिससे बारिश के दौरान जल जमाव न हो, पानी की तुरंत निकासी किया जा सके। शहर के अंदर जिन जगहों पर बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है, उसको निकालकर दवा का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कोई भी संक्रमण बीमारी ना फैल सके। जल जमाव और नालों के जाम होने का प्रमुख कारण पॉलीथीन होती है। 15 तारीख से पॉलीथीन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, शहर में 230 बड़े छोटे और मझोले नाले हैं, उनकी सफाई का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। इसके अलावा बंधों के किनारे 11 पंपिंग स्टेशन हैं, उन सभी पंपिंग स्टेशन की सर्विसिंग करा दी गई है। वहां कर्मचारियों की तैनाती करा दी गई है। इलेक्ट्रिक और डीजल के पंप एकदम रेडी हैं। जो भी पानी किनारे आएगा उसको अंदर कितने बाहर फ्लो कर दिया जाएगा नदी में। शहर के निचले इलाके में कुल 8 पंपिंग स्टेशन बने हैं, उनका सबका परीक्षण करा लिया गया है। वो गहरे इलाकों से पानी निकाल के नालों के माध्यम से शहर के बाहर करा रहे हैं। इसके अलावा जिन जिन इलाकों में पानी भर रहा है, वहाँ पे फॉगिंग का काम, वहाँ पे डस्टिंग का काम, दवाइयों को छिड़काव का कार्य, कि किसी प्रकार की रोग व्याध न फैले, सभी नदी नाले जो भी हमारे हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम के प्रमुख अंग हैं, उन पे जो अतिक्रमण किया गया है, उन अतिक्रमणों को हटाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ प्लास्टिक, जो कि नाले नालियों की चोक होने का बृहद कारण है, प्लास्टिक की बिक्री पे नगर निगम में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। 50 माइक्रॉन से कम की पन्नियाँ, पैकिंग मटेरियल्स या ऐसे ग्लास, कप, प्लेट प्लास्टिक के जो आके नालों में भर जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, इनकी सब पे रोक लगा दिया गया है, जो 15 तारीख से पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। जो गीडा में बड़ी फैक्ट्रियां 11 चिन्हित की गई हैं, उनसे उत्पादन बंद करने के लिए CEO गीडा को बोला गया है। नगर निगम पूरी तरह जो है ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयासरत है। तो हम सभी लोग फॉगिंग डस्टिंग कराएंगे, ड्रिंकिंग वाटर जो है साफ़ और स्वच्छ दे रहे हैं। 200 कुल हमारे जो छोटे ट्यूबवेल हैं, 4000 हैंडपम्प हैं, इन सब की लगातार क्लोरिनेशन कराया जा रहा है, पानी की टेस्टिंग कराई जा रही है, ताकि बारिश के मौसम में न तो जल जमाव हो और न ही लोगों को किसी प्रकार के संक्रमण बीमारी का सामना करना पड़े।